ये है पिसा हुआ नमक बस। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये है पहाड़ी नमक पिसा हुआ घर में, जो पीस के रखा है मम्मी ने। और नोनी यहाँ पे है। जस्ट अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और इसके बाद पहले मैंने सोचा दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते। मम्मी के कपड़े पहने हुए मैंने गर्म वाला सूट, ये ठीक है। और सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े मम्मी ने वॉश किए, ये भी नोनी के भी। और मैंने अपने कपड़े ऊपर छत में डाले हुए हैं वॉश करके। तो आज संतरा खाने का मन हो रहा है। हम जॉलजी भी गए थे ना, वहाँ हम लोग रास्ते में संतरे लेके गए थे, माल्टे हमारे पेड़ के तोड़ के। इतना मज़ा आया ना खाना, वो खा के बहुत अच्छे लगे और बहुत टेस्टी भी हो रहे हैं। तो ये पक गए हैं। लास्ट मंथ आपने देखे थे एकदम हरे हरे थे और अब सब पीले हो गए हैं, ये ना पक गए हैं अच्छे से। तो एक दो मैं तोड़ती हूँ अभी, फिर खाते हैं धूप में बैठ के। तो पहाड़ों में तो यही बात होती है सबसे अच्छी, कि सर्दियों में धूप में बैठ के आप संतरे माल्टे खाओ, बहुत मज़ा आता है। ये देखो सारा फल पक चुका है, सब पीले हो गए हैं। एक ये तोड़ दिया मैंने। नोनी भाग गया ताई जी के घर। नोनी खेत में नहीं जाना है, इधर आओ। ऑरेंज खाओगे? यहाँ पे गद्दा बिछा दिया पतला वाला। मैं नाइफ लेके आ रही हूँ बेटा। बना रही है भटके डुबके और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चावल बन गया है और खेत से मूली तोड़ के लाई थी मैं, तो इसको अभी कट करना है, इसका सैलेड बनाएंगे। थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग करी और अभी नोनी जो है ना नानी के साथ है, पता नहीं कहाँ भाग गया। पापा गए हैं आज गाँव और ताई जी ताऊ जी दोनों ही गाँव गए हैं, तो घर पर कोई नहीं है। और नोनी इधर है नानी के साथ में, खुद ही गेट खोल के गया और बोल रहा है नानी आओ। कहाँ गए थे बेटा? अमरूद। कहाँ से तोड़ा? पेड़ से। बोलो पके हुए अमरूद तोड़ के लाए ताई जी के पेड़ से। ये अमरूद पके हुए हैं, लाल वाले हैं ना मम्मी, लाल वाले अमरूद। ताई जी के खेत में काफी सारे फूल लगे हुए हैं, गेंदे के। दिवाली में फूल वूल माला बनाने के लिए ना काम आते हैं ये। ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये वाली रंगोली भी अप्पी ने बनाई है ताई जी के आंगन में, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ये किसने बनाया बेटा? अप्पी। अप्पी दीदी बोलो। हाँ नोनी कहाँ जाना है स्टूल लेके? चलो फिर। गाड़ी नहीं है बेटा, स्टूल है, वो यहाँ पे गिरोगे। यहाँ पे ध्यान से, ध्यान से। बाप शाम के 4:15 बज गए हैं, घर के आगे से धूप चली गई है। हम लोग भी जाएंगे छत में। मम्मी ने सब्जी में पानी डाला अभी, मम्मी पापा दोनों ने। यहाँ पे सारी क्यारियाँ बनाई हुई है ना, तो इन सब में डेली पानी डालना पड़ता है। नोनी उठो। और खेत से मम्मी अभी ये मूली लेके आई है, ये तो बहुत बड़े साइज की है, तो इसके कल बनाएंगे हम मूली के पराठे, क्योंकि मूली का सीजन है और मूली के पराठे ना खाओ तो कैसे चलेगा। और अभी तक मूली के सिवा पराठे इस सीजन में मैंने खाए नहीं है, बनाए नहीं है, तो इसलिए कल हम बनाने वाले हैं। नोनी उधर अप्पी की स्कूटी में जाके बैठ गया है। अप्पी आजकल स्कूटी यहाँ खड़ी करती है क्योंकि उन्होंने घर के आगे रंगोली बनाई हुई, तो फिर स्कूटी उसके ऊपर चढ़ा के ना रंगोली ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए स्कूटी यहाँ रख देते हैं वो लोग। आओ नोनी। तो नोनी आ ही नहीं रहा अभी। और सब्जियों में पानी वानी डाल दिया मम्मी ने। वहाँ पर पालक लगी हुई है थोड़ी सी क्यारी, छोटी सी क्यारी में, तो अभी पालक भी तोड़ा मम्मी ने। और आज हम डिनर में बनाएंगे पालक पनीर। तो इस सीज़न में पालक पनीर भी नहीं खाया था मैंने, तो सर्दियां आ गई हैं, सर्दी की सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और अलग अलग तरह की डिशेस मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में सब्जी बनाना, और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बना के ट्राई करना मज़ा आता है, और सर्दियों में खाया भी जाता है। पालक वॉश करके अच्छे से छान के रखी हुई थी मम्मी ने, तो अब मैं इसको रखती हूँ थोड़ा सा बॉईल करने के लिए, उसके बाद पालक पनीर बनाते हैं। बहुत ही फ्रेश पालक है हमारे घर की, बहुत ही अच्छी, और पहाड़ी पालक बहुत टेस्टी होती है।
गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज है संडे और आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करके बताया आप लोग को, आज हमारी 10th एनिवर्सरी है। यस, आज 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 2013 में हमारी शादी हुई थी 19th ऑफ नवंबर को, तो 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 10 साल की जर्नी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल थी, बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए लेकिन हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हंसते रोते एक दूसरे को हमने 10 साल एक दूसरे का साथ दिया है। तो यस, आज हमारी 10th एनिवर्सरी, हमारी शादी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रावत आज यहाँ नहीं है, वो अपने घर पे है और मैं अपने घर पे हूँ। ज़्यादा कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं है। वैसे हमने बहुत कुछ सोचा था घर जाके इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहते हैं ना जो प्लान बनाओ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं पाती हैं एक्चुअल में। तो प्लान तो कुछ सक्सेस हो नहीं पाए, तो हमने ये सोचा है कि मैं छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ पे करने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि आज तक मैंने मायके में कभी भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की है। तो ये मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है जो मैं मायके में सेलिब्रेट करूँगी अपनी फैमिली के साथ। और मिस्टर रावत अपनी ससुराल फैमिली के साथ कर लेंगे, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ। और यहाँ शाम को हम खाना पीना बनाएंगे और सर ताऊ जी ताई जी सबके लिए मैं यहीं बनाऊंगी। और उसके अलावा मेनू भी हमने डिसाइड करके रखा है। उसके अलावा मैंने केक मंगवाया है, ऑर्डर नहीं दिया था मैंने, अब इसे बोला है केक मिलेगा तो ले आना, क्योंकि वो मार्केट जाती है कोचिंग के लिए, आज उसकी छुट्टी नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है मैं आज अपने घर नहीं गई क्योंकि आज है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, आप सबको पता ही है। तो फिर ये होता है ना, मैच छूट जाएगा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था कहीं मैच छोड़ के, मतलब टीवी के आगे से हटना नहीं है आज दोपहर के बाद। तो इसीलिए आज वर्ल्ड कप फाइनल भी देखेंगे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी करेंगे। और टचवुड, अगर आज इंडिया जीतती है तो डबल सेलिब्रेशन होने वाला है, तो बस उसी का वेट है। और शाम को ये सारी चीज़ें खाना वाना हम सब बनाने वाले हैं। तो चलिए, जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और इंस्टा पे भी सबके कमेंट्स आए विश करने के लिए, तो थैंक यू सो मच आप सबको विश करने के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? बीपिट। क्या पढ़ रहे हो? बिस्किट। बिस्किट को बीपिट कह रहा है। बीपिट। इतने सारे कपड़े देखो, और अभी इतनी तेज़ धूप आई है ना। हाँ बेटा, नोनी नोनी का कार्तिक दादा आया है। हाँ लो कार्तिक। ये एक रोज का फ्लावर आ रहा है ना। 12:30 बज गया है, अब हम लंच करते हैं और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि 2 बजे से मैच भी स्टार्ट होने वाला है। नोनी को मुझे सुलाना भी है। नोनी मत करो बेटा, फूल वूल गमलों में कुछ रखता ही नहीं है। और स्ट्रॉबेरी ना, एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, बहुत मुश्किल से इसमें स्ट्रॉबेरी आ रही है, सारी कच्ची तोड़ के खा जा रहा है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ना, कच्ची कच्ची स्ट्रॉबेरी लग रही है इस तरह से, छोटी छोटी ये। लेकिन नोनी इतना सा भी नहीं रख रहा है, तोड़ के खा जाता है। इसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, लेकिन ये उतनी लगी नहीं है, सिर्फ एक ही प्लांट है, एक ही बचा हुआ है। नोनी की नज़रों से छुपा के रखना पड़ेगा ये। अब कहाँ चला गया नोनी? अंदर आओ बेटा, बाहर इतनी धूप हो रही है। दादा भी चला गया, इधर पे है। और अभी करीबन दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारा लंच हो गया था, दोपहर के बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं, तो इसके बाद शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने काबुली चने रात को ही सोख करके रख दिए थे, तो अच्छे से भीग चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ना सोडा ऐड कर दिया था, उससे जल्दी फूल जाते हैं ये। तो अच्छे से एक बार वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने सोख किए थे तो बॉयल होने में भी टाइम लगेगा। और इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक करने के लिए मैं इसमें 2-3 आलू भी ऐड कर दूंगी, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, ग्रेवी भी थिक होती है। तो नोनी को यहाँ पर देखो, इतना मज़ा आता है ना हैंडपम्प चलते हुए देखना और ये सारी चीज़ें करते हुए। शाम के 6 बज रहे हैं और केक आ गया हमारा, अभी से मंगवाया था मैंने एवर फ्रेश बेकरी पिथौरागढ़ में है, तो वहाँ से मंगवाया, अभी मैंने खोल के भी नहीं देखा है कैसा है। फिलहाल यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो छोले बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्याज ग्राइंड करके रख दी है, छोले तो मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे दोपहर में, एकदम ठंडे हो गए हैं ये। और ये लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखी है। जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट, मतलब 6 बजने वाले हैं और बाहर कितना अंधेरा हो गया है। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, मैच देख रहे थे अभी तक हम लोग, इस वजह से मैंने तड़का नहीं लगाया, लेकिन मैच का उतना मज़ा नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन थी और उतना उस हिसाब से मज़ा नहीं आया, तो थोड़ा सा मूड अपसेट है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और खड़े मसालों में मैंने काली मिर्च, लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, वो मैंने उबलते टाइम पे ही डाल दिए थे, तो अभी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ प्याज का पेस्ट और इसको
करीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया था। हाँ क्या लो बेटा, नोनी के यहाँ पे फुल मस्ती चल रही है। दे दो। क्या क्या काम करते रहते हो बेटा? मेरा है ये, दे दो। मम्मा का है बेटा वो टोरिंग। और मैच देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा आज। थैंक यू बेटा, मम्मा का है ये, मेरी टोरिंग है, नोनी मुझे उठा के क्लैप भी कर रहा है। वेरी गुड। दीदी के साथ खेलो, दीदी के साथ। और नोनी को आज हमने इस वाले रूम में सुलाया था तो इसने ये वाला बेड गीला कर दिया है। थैंकफुली ये न्यू बेड लिया है ना मम्मी लोगों ने, इसमें पन्नी अभी लगी हुई है तो ये गीला नहीं हो पाया। नोनी ये वाला बेड न्यू लिया है मम्मी लोगों ने, और यहाँ पे जो बेड रखा था ना डबल वाला था थोड़े बड़े साइज का, वो ऊपर रख दिया है। और दूसरी तरफ मम्मी भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है, तो यहाँ पे पूरी के लिए आटा लगा दिया था मम्मी ने, अजवाइन और थोड़ी कसूरी मेथी। और नोनी किचन में हेल्प करने के लिए ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बहुत खुश रहता है नानी के घर में आके। और यहाँ पे बढ़िया सा मसाला भी बन गया है, इसमें टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से पका लिया था, और मसाला बनने में ही करीबन आधा घंटा लग गया था। और छोले काफ़ी अच्छे से बॉयल थे, अच्छे से गले हुए थे। बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ छोले, में मैश करके इसमें ऐड करूँगी और लास्ट में पानी डाल के बॉयल कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी ये छोले वाली ग्रेवी बनके तैयार हुई थी। तो सारा खाना बनके तैयार हो गया था, बस पूरियां तलनी थी। उससे पहले हम लोग यहाँ पे केक कट करेंगे, और मैच भी चल रहा है, थोड़ा सा मूड खराब भी था क्योंकि मैच की सिचुएशन आपको पता ही थी क्या हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा केक अपी लेके आई थी, और ये बटर स्कॉच फ्लेवर था क्योंकि लास्ट मंथ ही हमने कार्तिक के बर्थडे पे चॉकलेट फ्लेवर खाया था, तो इस बार बटर स्कॉच खाने का मन हो रहा था और बहुत टेस्टी था। तो केक कट करने से पहले थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, और उसके बाद यहाँ पे केक कट करेंगे। तो मिस्टर राउत की कमी रह गई थी, उन्होंने भी अपने घर पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया और फैमिली के साथ अच्छा सा खाना वाना बनाया। बस इसी तरह से हमारा 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ, तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ इस तरह से कभी कभी मौके मिलते हैं, और बहुत सालों के बाद इस तरह से मौके आए हैं खुशियाँ मनाने के। तो बस केक कट कर लिया था, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, मम्मी ने पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया, और ताऊजी ताईजी को वहीं पे जाके देना था खाना, उनके लिए देर हो जाती ना, वो जल्दी खा लेते हैं। मतलब पहाड़ों में ऐसे ही होता है, सब लोग खाना पीना खा के सर्दियों में तो खासकर जल्दी सो जाते हैं। तो सबसे पहले उनको खाना बना के हमने भिजवा दिया था बच्चों के हाथ, छोले पूरी और रायता। ताईजी मेरी नहीं खाती है, उनको डायबिटीज़ है, तो इस वजह से वो केक वगैरह नहीं खाती हैं, पूरियाँ भी नहीं खाती हैं, तो इसलिए सिर्फ हमने ताऊजी के लिए दिया था। ये अपी, कार्तिक और भैया भाभी का लंच, मतलब डिनर। डिनर केक, नौनी को केक बहुत पसंद आया, केक वाज रियली नाइस। कैसा लगा केक अपी? टू गुड। वेरी गुड मॉर्निंग, 7:30 बज गए हैं सुबह के, और आज का वेदर ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर सर्दी आ गई है, एकदम प्रॉपर वाली सर्दी आ गई है, जैसे ना सर्दियों में फॉग लगता है। और इतना कोहरा लग रहा है आज सब जगह पे, फॉग हो गया है और बादल लग गए हैं, अजीब सा ही मौसम हो गया आज तो इस तरह का। कल मैच का आप सबको पता ही है कैसा हुआ था, तो मूड बहुत ख़राब हो गया, दिन ख़राब चला गया है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी होता है, कल हमारा लक नहीं था। गेम है ऐसा होता ही है, लेकिन ये होता है ना थोड़ा सा दिल दुखता है, तो मेरी तरह आप सब लोग का भी दिल दुखा होगा इंडिया हार गई। एनीवेज इस ब्लॉग को मैं एंड करना ही भूल गई थी, तो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी फीका पड़ गया था उस वजह से। कोई बात नहीं, हम दोबारा से फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे, काफ़ी मौके आएंगे अभी, और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का ये मौका पहली बार ही मिला एनिवर्सरी पे, तो मैं नहीं चाहती थी ये मौका हाथ से छूटे। मिस्टर रावत के साथ तो मैं फिर दोबारा सेलिब्रेट कर ही लूँगी। आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी बाय।